तो वीकली का सेकंड लास्ट मैच स्टार्ट होने वाला है। एक मिनट है फिलहाल स्टार्ट होने में। ओ भाई स्कैम यार। ओह 30 हो गए तो स्टार्ट कर देते हैं गाइस। चलो लेट्स गो लेट्स गो गाइस लेट्स गो। स्टरी शुरू हो चुका है। फिलहाल 2 मिनट कट गए। लेट्स सी गाइस लेट्स सी। वेलकम टू पबजी मोबाइल। चलो गाइस टीम्स की बात करें तो ETR 3 मेंबर्स के साथ है यहाँ पे। FSN 3 मेंबर्स के साथ है। IXS 3 मेंबर्स के साथ है। हमारे MAVE 3 मेंबर्स के साथ है और बाकी सारे कंप्लीट है गाइस। तो चलो गाइस लेट अस सी। तो जितने भी ज्वाइन किया गाइस डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस और आगे भी शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। वी विल बी टेकिंग ऑफ सून। ओके बी प्लेन प्रिपेयर्ड। बात अभी आने वाला है। लेट्स सी प्लेन बात क्या बनता है गाइस। अपने लौंडे कहाँ उतरते हैं। टॉप द टेबल यहाँ पे ETR है। तो प्लेन पाथ बन चुका है शूटिंग रेंज से नौ रेपनॉय की तरफ। तो प्रीमोस्क मिलिट्री बेस जाने वाले प्ले या फिर रिपेयर जाने वाले टीम्स को थोड़ा दिक्कत पड़ सकता है या क्वेरी जाने वाले टीम्स को। कमेश की भी थोड़ा फ्लाइट पाथ से थोड़ा दूर है। बाकी सारे ड्रॉप लोकेशंस इजी है अपने स्क्वाड्स के लिए। लेट्स सी कौन यहाँ पे अर्ली गन फाइट्स लेते हैं या नहीं। काफ़ी स्क्वाड्स हैं। तो पिछले गेम में क्या ही फाइट निकाला हमारे सैनॉक में NMD के मेंबर्स ने और RL से आउट ऑफ नोवेयर कमिंग चिकन डिनर लेते हुए कर्जा भी खेले RLC के लौंडे भी। तो लेट्स सी गाइस इस बार कौन चिकन लेता है। चलो गाइस ओके। तो मैवरिक्स उतर चुके हैं जॉर्ज बुल की तरफ। जॉर्जो सिटी जाएंगे हमारे लद्दाख गज वाले। तो जेनॉन जाएंगे हमारे जॉर्जो नॉर्थ सिटी। ETR जा रहे हैं यहाँ पे गटका के आसपास। KKC जाएंगे वाटर सिटी। NMD रोजॉक जाएंगे FSN और लद्दाख गेमिंग यहाँ पे याजना की तरफ जा रहे हैं। लद्दाख स्पोर्ट्स वाले स्प्लिट में उतर चुके हैं। ओके तो फिनिक्स स्प्लिट में फॉर्म की तरफ। प्राइम भी पोटैटो के साइड फॉर्म में यहाँ पे स्प्लिट है उतर चुके। तो सुसाइड स्क्वाड वर्सेस याक वंस अगेन हमें दिखेगा। कल हमने फिनिश होते हुए देखा था याक के मेंबर्स को इन पोचिंग की। तो इस बार फिर से आ चुके हैं। कंप्लीट 4v4 सिचुएशन है। सैम यहाँ पे उतर चुका है। सैम मैक्स है वाइब्रेंट है एंड शानदार है अपनी टीम की तरफ से गाइस। फिलहाल अभी जो रखा है और गन फाइट्स की बात करें तो लद्दाख गेमिंग वर्सेस FSN है। RLC वेयर इज RLC का टीम कहीं नहीं दिख रहा हमें। ओके RLC इज गोइंग हां नहीं चल रहा। RLC का टीम यहां पे लिप ओवर की तरफ। यहां मिनट वाइब्रेंट ने इसके साथ याक को नॉक कर दिया और इंस्टेंटली फिनिश भी कर लिया है विद AKM गाइस। बाकी याक के बचते हैं यहां पे रिफ्टन चोज और रिग्जिन बचे हुए। वाइब्रेंट की तरफ यहां पे नेड करते हुए रिग्जिन को नॉक कर लेंगे यहां पे सैम। लेकिन सैम को नॉक कर लिया यहाँ पे याक के चोज ने और इंस्टेंटली फिनिश करने की भी कोशिश करे। LZD मैक्स और शानदार यहाँ पे कवर फायर के लिए आ चुके हैं टूवर्ड्स याक के चोज। LZD मैक्स यहाँ पे स्पॉट आउट कर सकते हैं। स्मोक कर रहे टूवर्ड्स सैम और यहाँ पे बचाने की कोशिश करेंगे। बाकी दूसरे छोर देखा जाए तो यहाँ पे वाइब्रेंट फिनिश हो चुके। नहीं वाइब्रेंट को रिवाइव मिल चुका है काफ़ी लो हो चुके हैं लेकिन वाइब्रेंट यहाँ पे रिग्जिन को चोज रिवाइव दे रहा है। शानदार को यहाँ पे स्पॉट आउट कर लेंगे। याक रिफ्टन स्प्रे मार चुके हैं थोड़ा लो कर चुके हैं। वाइब्रेंट यहाँ पे क्लोजिंग करें। LG के C2 के AC के साथ GNR अभी को नॉक करेंगे और इंस्टेंटली चैम्प
फिनिश करते हुए सी टू के को। तो रिग्जिन को यहाँ पर रिवाइव मिल चुका है, छोज यहाँ पर रिग्जिन थोड़ा फॉल बैक करेंगे, छोज वर्सेज यहाँ पर शानदार होते हुए क्लोज इन। यहाँ पर फाइट हमारा थॉमसन के साथ यहाँ पर या ग्रिफ्टन की तरफ, वाइब्रेंट यहाँ पर क्लोज इन कर चुके हैं शानदार की तरफ। एलजेडी मैक्स ने इसी के साथ यहाँ पर नॉक कर लिया है और मैक्स को यहाँ पर नॉक कर लिया याक के रिग्जिन ने। और यहाँ पर याक के रिग्जिन काफ़ी लो पड़े हैं, सामने यहाँ पर पुश आएंगे टूवर्ड्स ए याक के रिग्जिन। एक्स वॉर शानदार सैम यहाँ पे मैक्स को रिवाइव दे देंगे, वाइब्रेंट के साथ यहाँ पे हमारे फाइट ले रहे हैं या क्रिस्टन, तो चोज को यहाँ पे रिवाइव दे सकते हैं। रिग्जिन काफ़ी लो पड़े हैं, छः बैंडेजेस है, हील अप कर लेंगे, चोज को यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा। वाइब्रेंट ऑन द अदर साइड यहाँ पे फाइट लेंगे विद या क्रिस्टन, या क्रिस्टन यहाँ पे छत से अच्छा खासा कवर दे रहा है अपने टीम मेट्स के लिए। बाकी ह्यूमनॉइड वाइब्रेंट लेट्स सी उजी लेके एक किल ले चुके हैं यहाँ पे वाइब्रेंट हमारे, तो यहाँ से छत की तरफ निकलेंगे यहाँ पे शायद वाइब्रेंट स्पॉट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ याग रिफ्टन ने सैम शानदार दोनों नॉक हो चुके हैं और सैम को भी नॉक कर लिया। तो यहाँ पे लेकिन रिफ्टन को काफ़ी लो कर दिया सही टाइम पे, यहाँ पे रिफ्टन थोड़ा फॉल बैक कर चुके हैं और वाइब्रेंट यहाँ पे क्लोज इन करेंगे। दूसरे छोर देखा जाए तो याग के मेम्बर्स यहाँ पे याग के चोज बचे हैं और नूक फिनिश हो चुके हैं, सैम को नॉक कर लिया और इसी के साथ यहाँ पे सैम को इंस्टेंटली फिनिश कर लेंगे, यहाँ पे मैक्स को भी फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ पे वाइब्रेंट फाइनल मेंबर बचते हुए यहाँ पे सुसाइड स्क्वाड की तरफ से, तो एक कैजुअलिटी के साथ यहाँ पे रिफ्टन काफ़ी लो पड़े हैं यहाँ पे वाइब्रेंट यहाँ पे लेट्स सी वेट करेंगे यहाँ पे रिफ्टन कवर अप फायर का, और चोज आ चुके हैं यहाँ पे कवर फायर के लिए। सामने यहाँ पे वाइब्रेंट को इसी के साथ फिनिश कर लेंगे। तो इसी के साथ सुसाइड स्क्वाड यहाँ पे अर्ली एग्जिट लेते हुए गाइस, कल यहाँ पे हमारे सुसाइड स्क्वाड ने याक फिनिश किया था, आज हमने यहाँ पे सुसाइड स्क्वाड फिनिश होते हुए दिख गए। तो यहाँ पे लद्दाख गेम यहाँ पे पुश कर रहे टूवर्ड्स हमारे एफएसएन के मेंबर्स, अब ही फिनिश हो चुका है गोस्ट और यहाँ पे जियो पार्टी फाइनल टू मेंबर्स बचे हैं अपनी टीम की तरफ से। हाँ जियो पार्टी यहाँ पे क्लोज इन यहाँ पे अपने टीममेट को गोस्ट को कवर अप फायर देने के लिए निकल चुका है। स्नैक्स यहाँ पे डबल स्टोरी का यहाँ पे कवर दे रहे हैं और चैम यहाँ पे क्लोज इन करेंगे, इसी के साथ सीनो इन गोस्ट के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं चर्च की तरफ से। लेट्स सी गाइस यहाँ पे गोस्ट थोड़ा सा फॉल बैक करेंगे अब अपने टीममेट्स की तरफ, लेकिन गोस्ट काफ़ी ओपन में है, चैम स्पॉट आउट कर लेंगे और चैम नॉक कर लेंगे। तो जियो पार्टी लेट्स सी यहाँ पे स्मोक करके यहाँ पे बचाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन जियो पार्टी के एंगल में यहाँ पे इसी के साथ सी टू ने स्पॉट आउट कर लिया और इसी के साथ यहाँ पे फिनिश कर लेंगे लद्दाख गेमिंग के मेंबर्स FSN के मेंबर्स को। तो तीन किल मिल जाएगा यहाँ पे, जिसमें से लद्दाख गेमिंग के C2K ने यहाँ पे दो किल ले लिया। इंडस कहाँ है, इंडस पता नहीं इंडस कहाँ है सर, फिलहाल इंडस नहीं दिख रहा, इंडस शायद ज्वाइन नहीं किया, सॉरी सर। इंडस ने ज्वाइन नहीं किया, इंडस डिडंट ज्वाइन द गेम, इरफान मुख्तार भाई रियल सॉरी। तो बाकी फाइट्स तो देखा जाए तो NMD की तरफ यहाँ पे लद्दाख ई स्पोर्ट्स के मेंबर्स यहाँ पे क्लोज इन कर सकते हैं एनी टाइम। लद्दाख ई स्पोर्ट्स के बॉय का है, फ्यूरी है, लीड्स है और कॉन्ग है। और फाइट तो TNT यहाँ पे निकलेंगे जोन की तरफ, यहाँ पे TNT मामा निकल चुके हैं, हल खेल रहे हैं, पोसेडंस खेल रहे हैं और सीज खेल रहे हैं TNT की तरफ से। बाकी IXS के मेंबर्स यहाँ पे नोवर इपनॉय की तरफ से आ रहे हैं, नोवर इपनॉय में यहाँ पे गॉडलेस है, क्लोन है, ब्रावो है IXS के मेंबर्स। बाकी फिनिक्स की बात करें तो यहाँ पे फिनिक्स के ओप्टू है, स्मल्ला है, खबीब है एंड नूब खेल रहे हैं। तो जोन फिलहाल यहाँ पे रून साइड सेंटर बना है, तो लेट्स सी यहाँ पे वाटर सिटी के से यहाँ पे KKC वाले रून्स की तरफ बढ़ते हैं कि नहीं, यहाँ पे मैवरिक्स आ सकते हैं रून्स में। ETR यहाँ पे थ्री मैन स्क्वाड खेल रहे, ETR के वाहिद है, थिनलेस है और यहाँ पे वॉन्ग है सॉरी। तो लेट्स सी इनका भी रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के स्लेयर है, मर्फी है, जोकर है एंड लोलो खेल रहे हैं। हमें ज़ेनॉन की बात करें तो जॉर्जो नॉर्थ सिटी में हमारे ज़ेनॉन के मेंबर्स हैं, ज़ेनॉन के किड्जी है, सीको है, ज़ेनॉन के सिंगे हैं और ज़ेनॉन के मैड मैक्स है। बाकी हाँ निंजा यहाँ पे रोटेशन स्टार्ट मार चुके हैं निंजा के मेंबर्स, मिल्टा की तरफ से आ रहे हैं, निंजा के गॉड बॉय है, निंजा के एसका है, निंजा एसका
मैक्सी और यहाँ पे निंजा के प्रिंस निकल रहे मिल्टा से जोन की तरफ, यहाँ पे बढ़ेंगे। बाकी मेंबर्स प्राइम, प्राइम की बात करें तो 12 हाउसेस की तरफ है, यहाँ पे गेट कीप कर सकते हैं टीएनटी के लिए। यहाँ पे प्राइम के मेंबर्स रूम गॉय है, तोगयान है, मार्कोस है और क्रूट है अपनी टीम की तरफ से। तो चलो गाइस नेक्स्ट फाइट, लेट्स सी कौन होता है। ओके मेव, मेव के भी मेंबर्स यहाँ पे, जस्ट बो सिटी के, जस्ट टोक्यो एंड हमारे मेव आशिकी गाइस। तो चलो गाइस जितने भी देख रहे हो लाइक पेलम पाल कर दो गाइस। फिलहाल थोड़ा यहाँ पे शांति का माहौल है, लेकिन जैसे ही जोन क्लोजिंग होता है, स्क्वाड्स जैसे ही एक दूसरे के करीब आते तो फाइट स्टार्ट हो जाएगा गाइस। लेट्स सी यहाँ पे मेव के मेंबर्स यहाँ पे रोटेशन मार चुके हैं और रोजॉक की तरफ बढ़ सकते हैं मेव के मेंबर्स, या तो यहाँ पे जॉर्जो की तरफ भी जा सकते हैं। दे हैव बोथ द ऑप्शंस। तो मेवरिक्स के मेंबर्स यहाँ पे पहुँच चुके हैं हमारे टूवर्ड्स र्यून्स, र्यून्स के कासल साइड और र्यून्स के वाटर सिटी में देखा जाता है। यहाँ पे केकेसी के मेंबर्स हैं, बग्गी फंसा लिया यहाँ पे मेवरिक्स के रैक्स ने, शायद सो किया जाएंगे यहाँ पे इनके बग्गी को निकालने के लिए। स्टॉक और मैट्रिक यहाँ पे चर्च होल्ड करेंगे। बाकी मेंबर्स की बात करें तो लद्दाख एज वर्सेस ईटीआर का भी फाइट हमें देखने को मिल सकता है अगर ये लोग ईटीआर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है ईटीआर यहाँ पे हिल जॉर्जो हिल पकड़ने की कोशिश करते हैं। थ्री मैन स्क्वाड है, लेट्स सी इस बार ETR की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में काफ़ी आगे है, लेकिन अगर अर्ली एग्जिट लेते तो नेक्स्ट मैच काफ़ी देख के खेलना पड़ेगा ETR के मेंबर्स को। तो फिलहाल यहाँ पे दो ही स्क्वाड फिनिश हो चुके हैं, हमारे सुसाइड स्क्वाड और FSN का स्क्वाड वाइज। ओके तो वॉर लॉर्ड्स नहीं सर, इट्स एली वीकली गुजार भाई, वीकली बैटल है, इट्स नॉट T3। तो चलो गाइस IXS के मेंबर्स यहाँ पे गॉडलेस स्पॉट आउट कर सकते हैं शायद फिनिक्स के स्मल्ला को। यहाँ पे गॉडलेस ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं और सामने यहाँ पे फिनिक्स के स्मल्ला है, सामने पटेटो पे यहाँ पे होल्ड करेंगे निंजा के मेंबर्स। निंजा के प्रिंस पहुँच चुके हैं बिल्कुल नीचे तक। हेलो मोहम्मद मुसफ़र, हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम सर। तो जितने भी ज्वाइन किया गाइस डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन अगर नहीं किया है तो गाइस अभी तक TNT यहाँ पे जोन में एंट्री मारेंगे। बाकी लेट्स सी गाइस, और अभी तो फिलहाल अभी भी शांति बना है यहाँ पे, लेकिन फिनिक्स वर्सेस IXS का यहाँ पे फाइट देखने को मिल सकता है। काफ़ी क्लोज आ चुके हैं यहाँ पे, IXS का रोटेशन चल रहा है, ब्रावो क्लोन और हमारे गॉडलेस निकलेंगे जोन की तरफ। फिनिक्स के खबीब यहाँ पे स्पॉट आउट कर सकते हैं खबीब, स्मल्ला यहाँ पे काफ़ी ओपन में है स्मल्ला, लेफ्ट से यहाँ पे गॉडलेस निकल रहे हैं स्मल्ला यहाँ पे स्प्रे। लेट्स सी क्या यहाँ पे स्प्रे पड़ता है IXS के मेंबर्स की तरफ। तो गॉडलेस निकलेंगे जोन में, बान हाउस पकड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे IXS के मेंबर्स। नोक्लोन एंड ब्राउन यहाँ आगे निकल रहे हैं, शायद दे माइट गो फॉर पोचिंग की हिल्स। लेट्स सी जोन कहाँ की तरफ कटता है, पहला जोन कट चुका है और जोन ने यहाँ पे शिफ्ट मारा है यहाँ पे हमारे वे ईस्ट की तरफ। तो वेस्टर्न टीम्स लद्दाख ETR हमारे प्राइम है, सेनॉन है, इनको आना पड़ेगा। MR फिलहाल जोन में है पोचिंकी में, यहाँ पे याक के मेंबर्स। लेट्स सी जोन फिलहाल होल्ड करते हैं पोचिंकी के, निकलते हैं यू नेवर नो। तो निंजा पोटैटो हिल की तरफ शिफ्ट मार चुके हैं। फिनिक्स यहाँ पे एजेस पे है, क्या एजेस खेलना पसंद करेंगे फिनिक्स के मेंबर्स या यहाँ पे जोन में जाएंगे। IXS है सर, LZD बिंदु सर सुसाइड स्क्वाड थे वो लोग फिनिश हो गए सर। IXS है सर, IXS टीम मेंबर्स है यहाँ पे। तो IXS यहाँ पे पोचिंकी का हेल, पोचिंकी का नॉर्थ साउदर्न हिल पकड़ना पसंद करेंगे। तो बाकी मेंबर्स की बात करें तो लद्दाख गेमिंग यहाँ पे आ चुके हैं टूवर्ड्स जॉर्जो का जो ब्रिज है, चैन स्नैक्स और C2 के थोड़ा दूर है फिलहाल। मेव के मेंबर्स भी ओके, यहाँ पे RLC के भी मेंबर्स अब आ चुके हैं। RLC ये टीम हम कैसे बोल सकते हैं गाइस, पिछले गेम में चिकन डिनर लिया था। रॉजर्स क्रूज खेल रहे हैं यहाँ पे, RLC इलियास खेल रहे हैं हमारे और इरफान वाहिद ने इसी के साथ एली मर्फी को नॉक कर लिया। तो लद्दाख एच के मर्फी डाउन हो चुके हैं, वांग ने यहाँ पे एली मर्फी को फिनिश कर लिया। बाकी मेंबर्स यहाँ पे रोटेशन में जोन में निकलेंगे, जोन में यहाँ पे IXS के मेंबर्स स्पॉट आउट कर सकते हैं लद्दाख एच के मेंबर्स को। तो यहाँ पे लद्दाख एच वर्सेस IXS हमें फाइट देखने को मिल सकता है गाइस, जो कर काफ़ी दूर है। गॉडलेस यहाँ पे स्प्रे दे चुके हैं टूवर्ड्स लद्दाख एच के स्लेयर एंड लोलो।
लेकिन निकलेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ, शायद यहाँ पे रूनस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से हटा दिया है, बाकी यहाँ के मेंबर्स कोचिंग के में होल्ड करेंगे। फिनिक्स टीएनटी वर्सेस यहाँ पे प्राइम हो सकता है गाइस। मार्कोस ने यहाँ पे टीएनटी सेज को डाउन कर लिया है, नॉक कर लिया है, तो यहाँ पे मार्कोस बिल्कुल सामने। तो यार डूम गाय काफ़ी दूर है थोड़ा यहाँ पे मार्कोस से, मामा के बिल्कुल क्लोज में है यहाँ पे मार्कोस, तो 1v1 सिचुएशन है मार्कोस और मामा का। लेकिन यहाँ पे सेज डिवाइड देने की कोशिश करेंगे, मामा के तरफ यहाँ पे स्प्रे देते हैं और इसके साथ मार्कोस को नॉक कर लिया है टीएनटी के मेंबर्स ने। बाकी मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे डूम गाय ग्रू तो गया काफी दूर है, फिनिश कर लिया है, सेज को भी फिनिश कर लिया गया है यहाँ पे भाई। तो दोनों तरफ एक एक कैजुअल्टी, बहुत बढ़िया नेड आते हुए हल्क की तरफ, दोनों को हल्का सा डैमेज पड़ा यहाँ पे मामा, और हल्क को पोसिडन भी थोड़ा लो पड़े, डूम गए तो गया थोड़ा लो पड़े, लेकिन ग्रूड यहाँ पे अलग एंगल लेके बैठेंगे। लेट्स सी गाइस क्या यहाँ पे नॉक निकाल सकते हैं कि नहीं, पोसिडन का एंगल निकल सकता है यहाँ पे ग्रूड के लिए गाइस। ओके चलो लेट्स सी डूम गाय, तो यार थोड़ा पीछे से यहाँ पे कवर फायर देने की कोशिश करेंगे। फ्रंट यहाँ पे डूम गाय जाएंगे, इनके में एक प्लेयर तो फिनिश हो चुके, दोनों तरफ से एक एक प्लेयर फिनिश हो चुके हैं। पोसिडन यहाँ पे पीछे से कवर देने की कोशिश करेंगे, बाकी मामा और हल्क, हाँ हल्क का नेट जाएगा टूवर्ड्स डूम गाय, और हल्क स्लोली स्लोली क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं टूवर्ड्स डूम गाय। डी पी चलाया जा रहा है बाय पोसिडन एंड यहाँ पे शायद तो गया हमारे, तो लेट्स सी गाइस। और एक ट्रेड और फिर उसके बाद पुश आ सकता है यहाँ पे, मामा और हल्क शायद पुश करने की कोशिश कर रहे हैं टूवर्ड्स डूम गाय। डूम गाय ने स्पॉट आउट कर लिया इसके साथ हल्क को, लेकिन हल्क को काफी लो तो किया था, लेकिन यहाँ पे नॉक कर लेंगे डूम गाय को हमारे टीएनटी के मेंबर्स। नाउ इट्स 3v2 सिचुएशन, ग्रूट और तोगयान यहाँ पे, लेट्स सी तोगयान थोड़ा यहाँ पे कवर देने की कोशिश करेंगे। नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रूट भी आ रहा है, हल्क यहाँ पे हील अप कर लेंगे। नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे पोचिंग के में एक्सेस याक दोनों है यहाँ पे, मामा इसी के साथ डूम गाय को फिनिश कर लेंगे। तो नाउ इट्स 3v2 सिचुएशन फॉर हमारे प्राइम के नमगिल जे और एली। एली एली अभी दिखाएंगे सर, एली अभी एक मेंबर फिनिश हो चुके हैं एली के, हल के तरफ यहाँ पे नेड करते हुए तोगयान के। अब यहाँ पे हमारे प्राइम के दो मेंबर्स बचे हैं, ग्रूट और तोगयान बचे हैं, बाकी टीएनडी के मामा हल्क और पोसिडन थोड़ा यहाँ पे हिल को कम्प्लीटली फैल के यहाँ पे बैठे हैं हिल पे, तो अच्छा खासा यहाँ पे हिल का पार्ट पकड़ा है राइट से। बाकी देखा जाए तो और फाइट्स की बात करें तो यहाँ पे लद्दाख वर्सेस याक का भी हमें फाइट देखने को मिल सकता है। इसके साथ टीएनटी के हल्क ने यहाँ पे ग्रूट को नॉक कर लिया, तो फाइनल मेंबर बचेंगे यहाँ पे द तोगयान, जो कि निकलेंगे यहाँ से अपने जान बचा के टूवर्ड्स द जोन, तो यहाँ पे पोजिशन पॉइंट्स के लिए जाएंगे तोगयान। बाकी फाइट देखा जाए तो लद्दाख वर्सेज याक का हमें देखने को मिल सकता है पोचिंग के में फाइट, पोचिंग की का स्क्वाड हाउस यहाँ पे पकड़ के बैठे हुए लद्दाख के मेंबर्स, लद्दाख के टीएनटी मामा ने इसी के साथ ग्रूट को फिनिश कर लिया। याक के यहाँ पे रिजन काफी क्लोज है, 3v3 सिचुएशन है दोनों टीम की तरफ से, यहाँ पे लोलो अकेले बचे हैं, जोकर है यहाँ पे और एली के स्लेयर है सामने। देखा जाए तो हमारे याक रिगजिन है, याक रिफ्टन है और याक चोज है, चोज का यहाँ पे ध्यान जाएगा टूवर्ड्स फिनिक्स। फिनिक्स यहाँ पे बान हाउस पहुँच चुके हैं पटेटो हिल के बिल्कुल नीचे की तरफ, नेक्स्ट जोन क्लोजिंग जहाँ होते हैं वहाँ पता चल जाएगा इस कहाँ किसको शिफ्ट होना पड़ेगा। जेनॉन फिलहाल एजिस खेल रहे हैं, नेक्स्ट जोन शायद सेंटर पकड़े, सेंटर यहाँ पे लद्दाख याक है और केकेसी वीकेंड से। लेट्स सी गाइस कहाँ की तरफ जोन कटता है, नेक्स्ट जोन जहाँ शिफ्ट मारता है या सेंट्रिक जोन बनता है, ये अभी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा गाइस। रिफ्तन, रिफ्तन लोलो को स्पॉट आउट कर सकते हैं, नॉक कर सकते हैं यहाँ पे, रिफ्तन को ही फिलहाल स्प्रे नहीं देना चाहेंगे, नेड कुक कर रहे हैं यहाँ पे रिफ्तन का। लेट्स सी रिफ्तन वेट कर रहे हैं शायद, नहीं याक के चोज यहाँ पे कार 98 का दिख नहीं रहा है क्या यहाँ पे, मुझे तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। ओके जोन यहाँ पे रोजॉक के तरफ शिफ्ट मार चुका है, तो यहाँ पे मैवरिक जाएंगे सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे निंजा भी निकलने की कोशिश करेंगे, लद्दाख वाले भी शायद निकलने की कोशिश करेंगे, लद्दाख के जोकर की तरफ यहाँ पे नेड धरा गया है, याक रिजन थोड़ा क्लोज इन आ चुके हैं, रिफ्तन और चोज पीछे से कवर फायर दे रहे हैं। बाकी मेंबर्स की बात करें तो टीएनटी प्राइम यहाँ पे टीएनटी के मेंबर्स क्लोज इन कर रहे हैं बाय द वे प्राइम के दतोगयान की तरफ, दतोगयान फिलहाल कहीं और बैठे गाइस। दतोगयान यहाँ पे एक को तो शायद मुझे लग रहा है खा के ही निकलेंगे दतोगयान, प्राइम को
यहाँ पे ढूंढा जा रहा है, तो टीएनडी के मेंबर्स हल्क को नॉक फिनिश कर सकते हैं, पोसिडन आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ड्यूकिन थिनलेजिसी के साथ एमआर मैट्रिक्स को नॉक करते हुए तो ईटीआर वर्सेस यहाँ पे फाइट हो चुका है, एमआर रेक्स को भी नॉक कर ले, रेक्स मैट्रिक्स दोनों नॉक पड़े हैं, रेक्स को यहाँ पे फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे पुश आएगा टूवर्ड्स मैवरिक्स के मेंबर्स, निंजा एस्का ने यहाँ पे फिनिक्स मल्ला को नॉक कर लिया और इसी के साथ रेक्स को फिनिश कर लिया ईटीआर के वॉन्ग ने, और वेयर इज बाकी मेंबर्स फ्लो की, मैट्रिक्स और रेक्स दोनों फिनिश हो चुके हैं, फ्लो की और स्टार्क बचेंगे अपनी टीम की तरफ से। लेट्स सी कैन वी सी सम M24 शॉट्स, ईटीआर वहां के तरफ यहां पे पिन किया है लेकिन शॉट तो लिया है लेकिन नॉक नहीं दे पाए। इसी के साथ निंजा वर्सेस यहां पे फिनिक्स का फाइट हो चुका है, फिनिक्स के पल्ला फिनिश हो चुके हैं, खबीब नॉक पड़े हैं ओप्टू और यहां पे फिनिक्स के नूबू जो कि काफ़ी दूर है अपने टीम मेट्स से। बाकी निंजा के मेंबर्स यहां पे फिनिक्स के खबीब को भी फिनिश कर रहे हैं, बाकी यस ETR शायद यहाँ पे वाटर सिटी में जाने की कोशिश करेंगे। थिल्लेस यहाँ पे फ्लैंक एंगल के लिए निकल चुके हैं और लद्दाख गेमिंग के मेंबर्स भी यहाँ पे स्पॉट आउट कर सकते हैं ETR के मेंबर्स को। लोलो ने इसी के साथ रिफ्तन को नॉक कर लिया है और याक वर्सेस यहाँ पे हमारा लद्दाख गज का भी फाइट देखने को मिल सकता है गज हमारे, तो याक रिफ्तन नॉक पड़े हैं, याक के रिग्जन एंड याक के हमारे चोस थोड़ा दूर है यहाँ पे, अगर फिनिश करने के लिए जाते तो के सी निंजा वाइट इसी के साथ फिनिश के खबीब को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे फिनिक्स के दो कैजुअलिटीज़ मिल चुके हैं, नूबू और ऑप्टू अभी भी बचा अपनी टीम की तरफ से। तो यहाँ पे और एक क्लोज इन फाइट हमें फिलहाल कहीं नहीं दिख रहा है ज़ेनॉन वाले पोटैटो से यहाँ पे, तो लद्दाख स्पोर्ट्स वर्सेज यहाँ पे RLC का यहाँ पे क्लोज इन हो चुका है गाइस। यहाँ पे स्कूल के अपार्टमेंट्स में है फिलहाल, अपार्टमेंट्स का फाइट थोड़ा टाइम लगता है गाइस। इलियास क्रूज इरफान है हमारे और गोस्ट महबूब लोलो यहाँ पे इसी के साथ याक छोस को नॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे याक रिग्स इन फाइनल मेंबर बचेंगे, लद्दाख के मेंबर अब शायद पुश करना पसंद करेंगे छोस की तरफ, यहाँ पे नेट कर रहे हैं हमारे लद्दाख के जोकर रिग्स इन यहाँ पे रिवाइव देने के लिए जा रहे हैं याक के रिफ्तन को और शायद स्पॉट आउट कर लिया है लद्दाख के लोलो ने, तो फाइनल मेंबर बचे हैं याक के रिग्स इन। रेड जोन भी आ चुका है, रेड जोन से यहाँ पे फिनिश हो सकते हैं कुछ मेंबर्स, तो लेट्स सी गाइस रेड जोन में कोई दबता है कि नहीं। TNT का रोटेशन चल रहा है, TNT चर्च की तरफ पहुंच चुके और जोन की बात करें तो फिलहाल यहां पे जोन है, TNT चर्च की तरफ पहुंच चुके तो लद्दाख एज ओके बाय द वे याक रिग्स इन यहां पे रिवाइव दे देंगे रिफ्तन को, शोज का बचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है हमें, तो लद्दाख एज का ध्यान जाएगा टूवर्ड्स TNT गाइस। TNT कार 98 लेके यहाँ पे आ चुके हैं हमारे TNT पोसिडन सेज फिनिश हो चुके हैं, तो लेट्स सी लद्दाख के लोलो ने इसके साथ याक चोस फिनिश हो चुके हैं बिना रिवाइव मिले, बाकी याक के रिफ्तन और हमारे रिग्जन दोनों मेंबर्स अभी भी बचे हैं यहाँ पे याक के। तो जोन ने और एक शिफ्ट मारा है, लद्दाख गेमिंग सेंटर ऑफ द जोन है, प्राइम है, IXS एच पे है, TNT जोन में जा सकते हैं लेकिन अब मैवरिक्स को फिर से जोन में आना पड़ेगा। KKC निंजा NMD लद्दाख स्पोर्ट्स RLC और हमारे फिनिक्स ज़ेनॉन सभी को आना पड़ेगा। लद्दाख स्पोर्ट्स के बॉयखा ने यहाँ पे इरफान को नॉक कर लिया है स्कारेल के साथ, तो लेट्स सी फिनिश करने की कोशिश करेंगे कि नहीं। कॉन्ग यहाँ पे क्लोजिंग करने की कोशिश करेंगे, गोस्ट महबूब यहाँ पे कवर फायर देने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कॉन्ग को स्पॉट कर लिया है गोस्ट महबूब ने, यहाँ पे नेट को किया है गोस्ट महबूब की तरफ हमारे लद्दाख स्पोर्ट्स के कॉन्ग की तरफ, तो नेट थोड़ा ज़्यादा कुक कर बैठे यहाँ पे कॉन्ग, यहाँ पे नेट धर रहे हैं यहाँ पे लद्दाख स्पोर्ट्स के मेंबर्स। ओके फ्यूरी ने यहाँ पे इरफान को फिर से नॉक कर लिया है विद अ नेट और लेट्स सी अगर यहाँ पे पुश करते तो ओपन से यहाँ पे, और इसी के साथ फ्यूरी ओपन में आ गए। गोस्ट महबूब ने थोड़ा लेट कर लिया यहाँ पे स्प्रे देने में, फ्यूरी यहाँ पे क्लोज इन कर चुके हैं, बॉयका ने यहाँ पे इसी के साथ क्लोज इन कर लिया, कॉन्ग और लीड यहाँ पे थोड़ा पीछे है, फ्यूरी काफ़ी लो हो चुके हैं, तो लेट्स सी गाइस अब यहाँ पे इसी के साथ नॉक कर लिया है हमारे बॉयका ने रोजर्स क्रूज को और इसी के साथ यहाँ पे RLC के एक बंदा डाउन हो चुका है, RLC के इरफान रिवाइव हो चुके हैं, गोस्ट महबूब यहाँ पे RLC के इलियास बचे हैं, RLC इलियास यहाँ पे स्प्रे देते हुए टूवर्ड्स लद्दाख ईस्पोर्ट्स के इरफान ने यहाँ पे कॉन्ग को नॉक कर लिया है और इसी के साथ फ्यूरी ने गोस महबूब को नॉक कर लिया, तो इरफान और RLC इलियास दो मेंबर्स बचे, फ्यूरी यहाँ पे गोस महबूब को फिनिश कर चुके, तो दो कैजुअलिटीज मिल चुका है यहाँ पे RLC के मेंबर्स को और लद्दाख ईस्पोर्ट्स के मेंबर्स को, नहीं लद्दाख ईस्पोर्ट्स को एक ही कैजुअलिटी मिल चुका है जो कि लद्दाख ईस्पोर्ट्स के कॉन्ग नॉक हो गए। बाकी लेट्स सी गाइस यहाँ पे बॉयका को रिवाइव मिल जाएगा, तो नेट्स पे नेट्स कर रहे हैं, जोन में भी निकलना पड़ेगा दोनों टीम्स को हमारे, इलियास इरफान दो मेंबर्स बचे हैं, जोन स्टार्ट हो चुका है, चौथा जोन है इलियास यहाँ पे, बिग फैन, अरे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
तो इरफान यहाँ पे बाहर निकल चुका है, इरफान के सामने यहाँ पे बॉयका है और यहाँ पे लीड्स को स्पॉट कर लिया, लीड्स को नॉक कर लेंगे। इसी के साथ बॉयका यहाँ पे एंटर मार चुका है, बॉयका को भी नॉक कर लेंगे यहाँ पे इरफान। तो लास्ट मेंबर बचते हुए यहाँ पे लद्दाख स्पोर्ट्स के, इसी के साथ फ्यूरी 2v1 सिचुएशन है यहाँ पे फ्यूरी के लिए। इरफान बचे हैं और आरएल से इलियास बचे हैं, इरफान यहाँ पे हीलअप कर लेंगे और इसी के साथ इलियास यहाँ पे इलियास को नॉक कर लिया यहाँ पे लद्दाख स्पोर्ट्स के फ्यूरी ने। इरफान काफी लो हीलअप करेंगे और इसी के साथ आएंगे और इसी के साथ इरफान ने फिनिश तो कर दिया लेकिन आरएल से इलियास को नहीं बचा पाए और इसी के साथ जोन में निकलेंगे। के किसी का यहाँ पे फाइट हो सकता है गाइस और लद्दाख है जहाँ पे जोन में निकल चुका है, ज़ेनॉन का फाइट हो चुका है गाइस जहाँ पे हमारे कौन से मेंबर यहाँ पे ज़ेनॉन वर्सेस मेव के आशिकी काफी लो हो चुके हैं। जस्ट टोक्यो यहाँ पे स्पॉट आउट कर लेंगे इसी के साथ हमारे मेंबर्स को। तो 4v3 सिचुएशन है वैसे फिलहाल देखा जाए तो, और टोक्यो ने यहाँ पे जोन से शायद फिनिश हो चुके हैं हमारे इरफान। लेट्स सी, यस इरफान जोन से फिनिश हो जाएंगे। तो ज़ेनॉन के मेंबर्स यहाँ पे ज़ेनॉन के किड्स नॉक पड़े, 3v3 सिचुएशन हो चुका है। सिंगे यहाँ पे किसी को बहुत बढ़िया नेड बाय मैड मैक्स और टोक्यो और आशिकी दोनों नॉक हो जाएंगे। बहुत सिटी के फाइनल मेंबर बचते हुए अपनी टीम की तरफ से गाइस, तो शाउट आउट टू यू सर। तो इसी के साथ मैक्सी ने एनएमडी जीन को यहाँ पे मॉली के साथ नॉक कर लिया, या क्रिज ने यहाँ पे फिनिश नुकू को फिनिश कर लिया, एनएमडी साइको ने यहाँ पे निंजा के प्रिंस को नॉक कर लिया, के किसी निंजा एनएमडी जीन को फिनिश करते हुए मैड मैक्स यहाँ पे मेव आशिकी को फिनिश करते हुए और इसी के साथ टोक्यो भी फिनिश हो चुके बाय मैड मैक्स। तो बो सिटी के फाइनल मेंबर बचते हुए जोन में निकलना पड़ेगा यहाँ पे दोनों टीम्स को, बो सिटी के हमारे फाइनल में के किसी निक्स ने यहाँ पे एनएमडी साइको की तरफ यहाँ पे जाते हुए और जस्ट भोंसड़ी के यहाँ पे मैड मैक्स को नॉक करते हुए लेकिन सी को यहाँ पे फिनिश कर लेंगे और यहाँ पे जोन बन चुका है लद्दाख गेमिंग के फेवर में। लेट्स सी क्या यहाँ पे लद्दाख गेमिंग चिकन डिनर ले पाते कि नहीं। यहाँ पे याक वर्सेस ईटीआर का फाइट हो चुका है, थिनलेस यहाँ पे नॉक हो चुके हैं ईटीआर की तरफ से, करते हैं यहाँ पे वांग और वाहिद जो कि काफ़ी दूर है, थिनलेस का बचना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे वांग और वाहिद कवर फाइट देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन याक के रिग्जिन यहाँ पे थिनलेस को इसी के साथ फिनिश कर लेंगे। बाकी ऊपर की तरफ देखा जाए तो ज़ेनॉन के मेंबर्स याक रिग्जिन यहाँ पे थिनलेस को फिस्ट के साथ इस इंटेंस सिचुएशन में यहाँ पे फिस्टिंग किया जा रहा है भाई याक के मेंबर्स। तो लेट्स सी गाइस, बाकी लद्दाख एज के मेंबर्स अब जोन में निकलेंगे, के किसी जोन में निकल रहे हैं, यहाँ पे निंजा के मेंबर्स भी जोन में निकल रहे हैं। जोन काफ़ी छोटा हो चुका है, 30 प्लेयर्स अभी भी अलाउड है अलाइव है और 10 टीम अभी भी अलाइव है। तो के किसी के मेंबर्स यहाँ पे जोन में निकल रहे हैं, सामने यहाँ पे लद्दाख एज वर्सेस शायद यहाँ पे फाइट हो चुका है, लद्दाख एज के मेंबर्स को यहाँ पे फिनिश भी कर लिया शायद, नहीं स्लेयर नॉक पड़े, जोकर फाइनल मेंबर बचे हैं सामने यहाँ पे ज़ेनॉन के मेंबर्स। सी टू के ने यहाँ पे एली स्लेयर को फिनिश कर लिया और यहाँ पे गाइस बस अड बच चुका है लद्दाख गेमिंग, लद्दाख एज लद्दाख क्या बोलते हैं ETR, याक है ज़ेनॉन के मेंबर्स यहाँ पे पुश कर रहे हैं टूवर्ड्स लद्दाख एच के जोकर। तो किड्स ही काफ़ी क्लोज आ चुके हैं जोकर के और लेट्स सी क्या यहाँ पे 1v3 निकाल पाएंगे या यहाँ पे 10th पोजीशन पे लद्दाख एच फिनिश होता है गाइस। लेट्स सी, सिंगे काफ़ी दूर है, किड्स ही काफ़ी क्लोज आ चुके हैं सिंगे, इसी के साथ मार फ्लो की निंजा गॉड पे को नॉक कर देगा, तो लद्दाख एच के जोकर वर्सेस किड्स होते हुए किड्स को नॉक करेंगे लेकिन पीछे से यहाँ पे ज़ेनॉन सी को कवर दे देंगे और यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे लद्दाख एच के मेंबर। दूसरे शोर देखा जाए तो मैवरिक्स वर्सेस यहाँ पे निंजा का फाइट चल रहा है मैवरिक्स के, स्टार्क और फ्लो की फाइनल टू मेंबर्स बचे हुए यहाँ पे, स्टार्क यहाँ पे नॉक करते हुए और इसी के साथ निंजा के एक्स का और एक्सी मैक्सी काफी फाइनल टू मेंबर्स बचे हुए, मैक्सी को यहाँ पे स्पॉट आउट कर लेंगे, मैक्सी ने यहाँ पे फ्लोकी को नॉक कर लिया। तो निंजा के एस का फाइनल मेंबर बचते हुए अपनी टीम की तरफ से, एमआर के यहाँ पे स्टार फाइनल मेंबर बचे, तो मैक्सी ओके निंजा प्रिंस यहाँ पे नॉक पड़े हैं, इसका को जोन में आना पड़ेगा, हील अप करना पड़ेगा, फाइनल मेंबर बचे और इसी के साथ निंजा के मेंबर फिनिश होते हुए लद्दाख गेमिंग के पास गाइस। कब से जोन लद्दाख गेमिंग को ही फेवर कर रहे हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे लद्दाख गेमिंग की तरफ जोन फेवर कर रहे हैं तो भाई चिकन डिनर तो लद्दाख गेमिंग का ही बनता है। TNT के मेंबर्स भी जोन में पहुंच चुके, लद्दाख गेमिंग के मेंबर्स भी जोन में है। तो ETR वर्सेस MR हमें देखने को मिल सकता है, ETR वंग को काफ़ी डैमेज दिया, फ्लो की फिनिश हो चुके हैं। तो ETR वर्सेस यहाँ पे मैवरिक्स है गाइस, MK लेके आएंगे, वांग की तरफ यहाँ पे स्प्रे देते हुए वांग को नॉक करेंगे MR के स्टॉक और यहाँ पे ETR के वाहिद फाइनल मेंबर बचते हुए, वाहिद यहाँ पे लेट्स सी वांग को बचाएंगे कि नहीं। और इसी के साथ MR स्टॉक ने यहाँ पे बहुत बढ़िया रिफ्लेक्स देके फिनिश कर लिया, तो 3 किल के साथ यहाँ पे फिनिश कर लेंगे ETR के मेंबर्स को 7th पोजीशन पे शायद, यस यहाँ पे 7th पोजीशन पे ETR के मेंबर्स फिनिश होते हुए। तो IXS लेफ्ट 3 प्लेयर्स, ज़ेनॉन अभी भी 3 मेंबर्स के साथ है यहाँ पे, लद्दाख गेमिंग कंप्लीट स्क्वाड, जोन कब से इन्हीं के पास, क्या ही सही जगह पकड़े हैं यहाँ पर लद्दाख गेमिंग के मेंबर्स ने, कंपाउंड है रिज है इनके पास और जोन तो भाई उन्हीं पे बंदे जा रहा। तो KKC के मेंबर्स यहाँ पे नॉक निकालते हुए हमारे एक्स ज़ेनॉन के मेंबर्स के, तो ज़ेनॉन के यहाँ पे सी को और सिंगे फाइनल मेंबर बचते हुए, ब्रावो ने यहाँ पे लद्दाख गेमिंग के स्नैक्स ओपी को नॉक कर लिया, तो सल्लू वाइटी ने यहाँ पे ज़ेनॉन के किड्स को नॉक कर लिया। तो KKC
ज़ेनॉन सबको जोन में निकलना पड़ेगा। यहाँ पर रेडी है हमारे लद्दाख गेमिंग के मेंबर्स जोन में जाने के लिए। तो क्लोन यहाँ पे एंटर करने की कोशिश, लेकिन भाई बिल्कुल मुंह में ही घुसा लिया यहाँ पे ज़ेनॉन के सिंगे। सही हैवी ड्राइवर निकले हमारे ज़ेनॉन के सिंगे और इसी के साथ ब्राउन नॉक कर लेंगे। तो सी को फाइनल मेंबर बचेंगे जो कि हील बैटल कर रहे हैं और यहाँ पे फिनिश हो सकता है। एमआर स्टार्क यहाँ पे नेड कर रहे हैं टूवर्ड्स नो ब्रावो और जितना किल्स हो सके यहाँ पे स्टार्क लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 4 किल लिया है, अकेले बचे अपनी टीम की तरफ से। दूसरे छोर देखा जाए तो लद्दाख गेमिंग, ओके स्टार्क यहाँ पे जोन में पहुंच चुके हैं। स्टार्क की तरफ यहाँ पे स्प्रेज दे रहे हैं हमारे टीएनटी के मेंबर्स। टीएनटी के पास यहाँ पे जोन शिफ्ट हो चुका है। नाउ फाइनली यहाँ पे लद्दाख गेमिंग को गाइस जोन में आना पड़ेगा लद्दाख गेमिंग को। तो ये है हमारे टॉप 4 टीम लद्दाख गेमिंग। ओके यहाँ पे इसी के साथ ज़ेनॉन सी को फिनिश हो चुके। तो यहाँ पे 3v4v1 सिचुएशन है, अकेले एमआर स्टार्क। लेट्स सी कैन वी सी चिकन डिनर फ्रॉम एमआर स्टॉक गाइस, या यहाँ पे हमारे लद्दाख गेमिंग चिकन डिनर ले लेंगे। लेकिन लद्दाख गेमिंग को यहाँ पे जोन में निकलना पड़ेगा और अकेले यहाँ पे टीएनटी के मेंबर्स है जिनके पास है जोन। टीएनटी के मांबा है, टीएनटी के हल्क है और पोसीडन है यहाँ पे टीएनटी की तरफ से। तो पोसीडन यहाँ पे कवर बना चुके हैं, लेकिन स्टॉक यहाँ पे स्पॉट आउट कर सकते हैं। स्टॉक यहाँ पे एलजी लद्दाख गेमिंग के स्नैक्स की तरफ यहाँ पे स्प्रे देते हुए हल्का सा यहाँ पे डीवी का स्प्रे दे देंगे। लद्दाख गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे 5 किल के लेके यहाँ पे बैठे हुए हमारे लद्दाख गेमिंग के मेंबर। स्टॉक यहाँ पे स्मोक करके आगे जाने की कोशिश करेंगे। 18 सेकंड है तो स्मोक पाथ बना रहे अपने लिए। सामने यहाँ पे टीएनटी के पोसीडन यहाँ पे जोन में जगह बना चुके हैं। टीएनटी के बाकी मेंबर्स को भी जोन में आना पड़ेगा। यहाँ पे मांबा और हल्क यहाँ पे पीछे से कवर फायर दे रहे हैं। लद्दाख गेमिंग भी यहाँ पे स्मोक्स करके यहाँ पे आगे आने की कोशिश करेंगे। तो स्टॉक का ध्यान जाएगा यहाँ पे टूवर्ड्स हमारे टीएनटी के मेंबर्स और यहाँ पे स्टॉक डिप पकड़ेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पे लद्दाख गेमिंग के स्नैक्स भी पहुँच चुके। तो स्नैक्स को यहाँ पे नॉक कर लेंगे हमारे टीएनटी के हल्क और लद्दाख गेमिंग के C2 के गंगजूर। चैम काफ़ी ओपन से आ रहे हैं, चैम को नॉक कर लेंगे टीएनटी के मांबा। तो स्टॉक लेट्स सी क्या यहाँ पे किल्स उठा सकते हैं। टीएनटी हल्क को एलजी के C2 के नॉक कर ले, लेकिन स्टॉक ने यहाँ पे फिनिश कर लिया है हमारे टीएनटी मामा ने फिनिश किया, शायद फाइनल किल लिया है यहाँ पे एमआर स्टॉक ने। तो हल्क नॉक पड़े हैं, 2v1 सिचुएशन है स्टॉक के लिए। पोसिडन मांबा यहाँ पे हल्क को रिवाइव दे सकते हैं। अगर मांबा को थोड़ा सा स्पॉट आउट कर ले तो यहाँ पे बेटर रहेगा स्टॉक के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिर 2v1 सिचुएशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पोसिडन ने शायद स्पॉट आउट कर लिया है स्टॉक को 5 किल के साथ। यहाँ पे मैवरिक्स के स्टॉक फाइनल मेंबर बचते हुए सामने यहाँ पे टीएनटी के हल्क अब रिवाइव हो चुके हैं। नाउ इट्स 3v1 सिचुएशन फॉर स्टॉक और यहाँ पे पोसिडन यहाँ पे स्पॉट आउट कर चुके हैं। मांबा यहाँ पे क्लोजिंग करने की कोशिश कर